नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। और मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत अपने इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस यहां पर शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7 बजे ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग एक थ्योरी लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और आज का जो मुद्दा बनता है वो बनता है सिंधु जल प्रणाली या सिंधु रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम। आज की ये नदी काफी महत्वपूर्ण है, न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, और इसे पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो नगर आपके बसे थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये सभी आपके सिंधु नदी के आसपास, तो इसका एक प्राचीन इतिहास भी आपका बना रहा है। तो आज हम लोग इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों यानी कि झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि इंडस नदी से ही जुड़ा हुआ है। तो बने रहिएगा इस लेक्चर में। इस पूरे लेक्चर के दौरान काफी कुछ आप सीखने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लग जाए। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को या इंडस रिवर सिस्टम को, यहां पर थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके लाइनों को रीड करते हुए चलिएगा आप भी और मैं भी, और हम लोग थ्योरी के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करने का पूरा यहां पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, मतलब कि जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, ये तिब्बत में उत्तरी कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील कई और नदियों का भी उद्गम क्षेत्र बनता है के पास से इसका उद्गम होता है। और सिंधु नदी भारत में सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी में प्रवेश करती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में इंटर करती है। ये पॉइंट भी साथ ही साथ याद रखिएगा, यह गिलगित बाल्टिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पास एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलासा नियर द लेक मानसरोवर रनिंग बाय द लद्दाख, इट इंटर्स पाकिस्तान थ्रू द गिलगित बाल्टिस्तान एंड एंड्स इन द अरेबियन सी नियर कराची। इसको हम मैप के माध्यम से भी यहां पर समझेंगे कि जी हां, कहां कहां से नदी कहां से ओरिजिनेट होती हुई कहां को जाती है। तो मैंने आपसे कहा कि कैलाश पर्वत के उत्तरी हिस्से से ओरिजिनेट होती है नदी, और सबसे पहले कहां इंटर कर रही है, सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इंटर करती है और भारत में कुछ हिस्सा इसका रहता है। इसके बाद ये नदी आपके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी नदी है और पाकिस्तान के लोगों की ये लाइफलाइन है, और समुद्र में गिरने से पहले, अरब सागर में गिरने से पहले यहां पर कराची के पास एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और अंत में सिंधु नदी आपकी कहां गिर जाती है, ये आपकी अरेबियन सागर में गिर जाती है। तो इसका जो रास्ता है वो तो आपको क्लियर हो चुका है। ओरिजिनेट होने के बाद ये नदी पश्चिम उत्तर की तरफ मूव करती है, और जैसी ये नदी पाकिस्तान में इंटर करती है उसके बाद ये नदी सीधा दक्षिण की तरफ बहना शुरू करती है, जैसा कि आपको यहां पर तस्वीर में नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो भारत को जो अपना नाम है ना, जिसका भारत को जो अपना नाम है, ऐसा कहा जाता है कि भारत को भरत के नाम पर भी भारत कहा जाता है ऋग्वेद में, और भारत को अपना नाम सिंधु नदी, इसको पहले सिंधु, सिंधु से ही बना एक शब्द है हिंदू, हिंदू से इंदोस और इंदोस से इंडिया या भारत, ये आपका कहलाया है। और ऋग्वेद में भी इस नदी के बारे में करीब करीब 176 बार आपका डिस्कशन किया गया है। पाकिस्तान की ये सबसे लंबी नदी बनती है और पाकिस्तान की ये जीवन दायिनी नदी बनती है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी बनती है। जिस तरह से भारत की सबसे लंबी नदी बनती है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर को लंबाई है, जबकि भारत में इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, भारत की राष्ट्रीय नदी बनती है गंगा, ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी ये बनती है। सबसे लंबी है तो इसका मतलब है काफी लंबे और काफी बड़े क्षेत्रफल को या काफी बड़े क्षेत्र को ये सिंचित करती होगी, और पाकिस्तान में भी लाखों लोग इस नदी पर आपके निर्भर होंगे, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग गंगा नदी पर आश्रित हैं, गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर आपके मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में भी। सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी में ब्यास नदी भी इसकी एक सहायक नदी बनती है, ट्रिब्यूटरी बनती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से पीर पांजाल पर्वतमाला के दक्षिणी ढलानों से
ब्यास नदी आपकी उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? ब्यास नदी आपकी उत्पन्न होती है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पीर पांजाल पर्वतमाला के दक्षिणी ढलानों से ब्यास नदी आपकी उत्पन्न होती है। ब्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र में जो कि हिंदुस्तान में ही ओरिजिनेट होती है और हिंदुस्तान में ही खत्म हो जाती है, याद रखिएगा। हाँ, सिंधु नदी की अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी लेंथ करीब करीब 2900 किलोमीटर के आसपास आकी गई है। जी हाँ, 2900 किलोमीटर। ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी पंजाब के मैदानों में प्रवेश करने से पहले दक्षिण पूर्व में मनाली हिल स्टेशन और कुल्लू घाटी के माध्यम से बहती है। यह अमृतसर के दक्षिण में हरिके वेटलैंड के पास सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी के किनारे कुल्लू और मनाली दो प्रमुख जो आपके हिल स्टेशन है ये आपके मौजूद हैं। ये नदी आपके अमृतसर के दक्षिण में हरी के एक बैराज है उसके पास ये सतलज नदी में मिल जाती है और फिर आगे इसे सतलज नदी ही कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ब्यास नदी की। ब्यास नदी की टोटल लेंथ की बात कर ले तो ब्यास नदी की जो टोटल लेंथ बनती है वो 460 किलोमीटर के आसपास आपकी बनती है। आगे बात करते हैं, ब्यास और सतलज का जो संगम होता है हरी के बैराज के पास, ठीक है, वहां पर हरी के बैराज आपका स्थित है, यहीं से पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान की सिंचाई के लिए एक नहर भी निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल। इसकी जो लंबाई बनती है वो 460 किलोमीटर आपकी बनती है। ब्याज और सतलज के संगम पर कौन सा बैराज है? हरी के बैराज है। यहां से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ये मैं आपको मैप के माध्यम से भी यहां पर दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि हरी के बैराज आपको यहां पर मैप में नजर आ जाएगा और हरी के बैराज पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। हरी के बैराज में आपकी ब्यास और यहां पर देखिए ये आपका हरी के बैराज आपको यहां पर मिल जाएगा। ये यहां पर जो मैंने रेड स्पॉट बनाया है ये आपका हरी के बैराज है और हरी के बैराज में ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों नदियां क्या होती हैं, आकर इनको ये मर्ज होती हैं और फिर आगे ब्यास नदी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है और फिर सतलज नदी ब्यास नदी मर्ज होने के बाद केवल सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। और यहां पर आप एक लंबी सी कैनाल देख रहे हैं, ये है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल और ये इंदिरा गांधी कैनाल पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा हरी के बैराज किन दो नदियों का संगम है? तो ब्यास और सतलज। इसके बाद नदी सतलज के नाम से जानी जाती है, सतलज और इसी बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी कैनाल यहीं से आपकी निकलती है। हम सभी जानते हैं कि दो नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका कहलाता है दोआब और पांच नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका आपका कहलाता है पंजाब। तो अब यहां पर देखिएगा पंजाब ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पांच नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? पहली है आपकी सतलज नदी। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, सतलज नदी, सतलज नदी के बाद आ जाएगी आपकी ब्यास नदी, दो हो गई, रावी नदी तीन, चिनाब रिवर पांच और झेलम, चिनाब रिवर चार और झेलम रिवर आपकी पांच। फिर से एक बार, सतलज एक, ब्यास दो, रावी तीन, चिनाब चार और झेलम पांच। इन पांच नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका आपका कहलाता है पंजाब। अब इस पंजाब के इलाके में अलग अलग दोआब भी आपके बने हुए हैं। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है, क्योंकि दो नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका कहलाता है दोआब, तो बारी दोआब, तो नाम में ही सभी का नाम छुपा हुआ है। बारी का मतलब बीए से याद रखिएगा ब्यास और आरआई से याद रखिएगा रावी। तो बारी दोआब का मतलब है ब्यास और रावी रिवर। बारी दोआब का मतलब है बारी दोआब ब्यास और रावी रिवर। इसके बाद हम लोग रचना दोआब की बात करते हैं, तो रचना दोआब में, रचना में रा का मतलब रावी रिवर है और चिना का मतलब यहां पर चिनाब रिवर है। तो चिनाब रिवर और रावी नदी के बीच में रचना दोआब आपका मौजूद है। इसके अलावा जेच दोआब, जेच दोआब में जे से मतलब है झेलम और सीएस से मतलब है चिनाब। तो जेच दोआब में झेलम और चिनाब नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका जेच दोआब और झेलम नदी और इंडस नदी, झेलम नदी और इंडस नदी के बीच में है आपका सिंध सागर दोआब। तो नोट कर लीजिएगा, कहीं भी बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में? ब्यास और रावी, रचना दोआब रावी और चिनाब, जेच दोआब तो झेलम और चिनाब, इसके अलावा सिंध सागर तो झेलम और इंडस। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? चार आपके दोआब हो जाएंगे और इन चारों दोआबों के बीच में जो आपकी नदियां हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। सब कुछ मिलाकर यहां पर बनता है पंजाब। और एक, हाँ एक छूट गया है भैया, बिस्त दोआब भी आपका बनता है। बिस्त दोआब की बात करते हैं तो बी आई से ब्यास और एस टी से याद रखिएगा इस्त, तो ता से याद रखिएगा सतलज। तो बिस्त दोआब यानी कि ब्यास और सतलज,
अब ठीक है ना, तो पांचों दो अब आपको यहां पर अच्छे से लर्न कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा। हो सके तो इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में सभी दो आप के बारे में आप लोग लिखकर मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उस लिस्ट को आपको यहां पर रिवाइज भी करा दूंगा, ताकि जो और विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे उनका रिविजन यहां पर हो जाएगा आप सभी के माध्यम से। यहां तक का वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक करते हुए आगे बढ़िया कि जी हाँ सर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ही ये क्लासेस मैं यहां पर लेकर आया हूं। आप सभी की डिमांड पर टॉपिक वाइज हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो हम बात करेंगे सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर हमने देखा कि ब्यास नदी के साथ सतलज नदी मर्ज हो जाती है कहां पर, हरि के बैराज में, और फिर सतलज नदी आगे बढ़ती है। तो सतलज नदी आगे पाकिस्तानी पंजाब में बहती है और पंचनद नदी बनाने के लिए बहावलपुर के पास उच्च में चिनाब नाम की नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह मिठानकोट में सिंधु नदी से जुड़ जाती है। थ्योरी की एक अजीब समस्या होती है कि आसानी से समझ में नहीं आती, ज्योग्राफी में तो खास तौर पर। तो यहां पर देखिए जो थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं आपको इमेज के तौर पर भी समझा देता हूं। पहले एक बार थ्योरी को फिर से रीड कीजिए। सतलज नदी आगे आगे बढ़ती है, पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में बहती है, वहां पर सतलज नदी पंचनद नदी बनाती है और बहावलपुर के पास ये चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी आगे मिठानकोट में सिंधु नदी से जुड़ जाती है। सर इमेज के माध्यम से बता दीजिए। अब यहां पर ध्यान से इमेज पर गौर फरमाइएगा, ये आपको समझाने में काफी मददगार साबित होंगी। देखिए यहां से आपकी ये निकलती है ब्यास रिवर, और ब्यास रिवर यहां पहुंची और सतलज नदी आपकी यहां पर इस तरीके से यहां पर पहुंचती है। तो यहां पर इस जगह पर आपका क्या बनता है, हरि के नाम का बैराज आपका बनता है। फिर सतलज नदी आगे बढ़ती है, सतलज नदी आगे बढ़ती है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये बहावलपुर के पास चिनाब रिवर में यहां पर मिलती है। ये जो मैंने डॉट बनाया है, यहां पर सतलज नदी चिनाब नदी के साथ मिलती है बहावलपुर के साथ या बहावलपुर में, और वहां से इसे चिनाब रिवर के नाम से ही जाना जाता है। और आगे चल के इस जगह पर चिनाब रिवर भी किस में मर्ज हो जाती है, ये इंडस नदी में, सिंधु नदी में मर्ज हो जाती है। तो कहने के लिए ब्यास नदी सतलज में मर्ज हुई, ब्यास नदी सतलज में मर्ज हुई हरि के नामक स्थान पर, फिर सतलज नदी चिनाब में मर्ज हुई पाकिस्तान के बहावलपुर नाम की जगह पर, और चिनाब नदी इंडस में मर्ज हुई मिठानकोट के पास पंचनद के नाम से। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बात करते हैं। अब झेलम नदी की बात करेंगे, अभी पंचनद को बताना बाकी है, पंचनद किसे कहते हैं ये बताना अभी बाकी है, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। झेलम रिवर की बात कर लेते हैं, तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो वेरिनाग स्प्रिंग से होता है, जो कि इसका मुख्य स्रोत बनता है, और वेरिनाग स्प्रिंग पीर पांजाल जो पर्वतमाला आपकी बनती है उसके उत्तरी ढलानों से आपकी निकलती है, जो कि कश्मीर घाटी को घेरता है। गहरे सकरे गौज के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले झेलम नदी वुलर झील से होकर आपकी बहती है। वुलर झील आपकी कहाँ है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो कौन सी नदी वुलर झील से होकर बहती है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी वुलर झील से होकर बहती है, तो आंसर रहेगा झेलम। और झेलम नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर मौजूद है, तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे यहाँ पर आपका मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। झेलम राइजेस फ्रॉम दी नदन स्लोप्स ऑफ दी पीर पांजाल रेंजेस एट दी वेरिनाग स्प्रिंग एंड विच गेडल्स टू दी वैली ऑफ दी कश्मीर। इसके अलावा इट फ्लो थ्रू दी श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर इंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉर्ज। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था कि गॉर्ज का क्या मतलब होता है। बैकग्राउंड में जो आपको भौगोलिक आकृति नजर आ रही है, ये एक गॉर्ज है। गॉर्ज के दोनों तरफ खड़ी खड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं या पहाड़ों की ऊंची चट्टानें होती हैं, और बीच में नदी हजारों सालों में पहाड़ों को काटकर बहती है, जिससे एक घाटी का निर्माण होता है। ये बहुत ही पतली और सकरी घाटी होती है, इसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ओके आगे बात करते हैं। झेलम नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी आपकी बनती है वो बनती है किशन गंगा नदी, इसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम नदी की किस सहायक नदी को नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर बनेगा किशन गंगा नदी। ये मुजफ्फराबाद में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। चिनाब सतलज के साथ विलय होकर पंचनद नदी बनती है, जो कि सिंधु नदी के साथ मिठानकोट में मिलती है। दो स्लाइड पहले मैंने आपको मिठानकोट के बारे में समझाया था, अब हम लोग यहां पर दोबारा समझेंगे और एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज अ पंचनद नदी या पंचनद नदी कहते किसे हैं, क्योंकि बार बार ये पंचनद जो शब्द है वो बार बार हमारे साथ यहां पर डिस्कशन में आ रहा है। समझिएगा यहां पर हम लोग देखते हैं, दिखेगा समझिएगा। ब्यास रिवर आपकी ये रही और सतलज नदी आपकी ये रही।
दोनों नदियां एक दूसरे से यहां पर मर्ज हो जाती हैं कहां पर, हरी के नाम की जगह में, और फिर ये सतलज के नाम से आगे बहती है और सतलज नदी आगे बहती है और चिनाब से मिलती है बहावलपुर के पास पंजाब में, और यहां पर फिर चिनाब नदी मिठानकोट नाम की जगह में मिलती है झेलम नदी में, और इसे पंचनद कहते हैं। पंचनद का मतलब होता है पांच नदियां, पंचनद का मतलब होता है पांच नदियां, क्योंकि पहले दो नदियां तो इसमें ऑलरेडी मर्ज हो चुकी हैं, कौन कौन सी, ब्यास और सतलज, तो दो नदियां। सर तीन नदी कौन कौन सी हैं, तीन नदियों में है आपकी रावी नदी यहां पर, चिनाब रिवर यहां पर, और झेलम रिवर आपकी यहां पर, ठीक है। तो झेलम रिवर भी आगे चल के चिनाब में मर्ज होती है और रावी नदी भी आगे चल के चिनाब में मर्ज होती है। इन दोनों के मर्ज होने के बाद इसे चिनाब रिवर ही कहा जाता है, और चिनाब रिवर में आगे चल के सतलज भी मर्ज हो जाती है बहावलपुर के पास। तो बहावलपुर के पास आकर चिनाब नदी पांच नदियों का संगम हो चुकी है, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और खुद झेलम, वो खुद चिनाब। फिर से चिनाब नदी में चार नदियां आकर मिल चुकी हैं, कौन कौन सी, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास, और चिनाब को अगर जोड़ लेते हैं तो पांच नदियां, तो ये अब पंचनद बन चुकी है, यानी कि बहावलपुर के पास आते आते सभी नदियां चिनाब में मर्ज हो जाती हैं और अब चिनाब नदी को पंचनद नदी कहते हैं, क्योंकि इसमें पांच नदियां मिल चुकी हैं, और मिठानकोट के पास ये मिल जाती है इंडस रिवर में, और इंडस रिवर आगे आपकी जाती है कराची के पास डेल्टा बनाकर अरब सागर में गिर जाती है। मुझे उम्मीद है कि पंचनद का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कौन सी नदी किसमें मर्ज होती है, कहां मर्ज होती है वो समझ में आ गया, अंततः सभी नदियां चिनाब में मर्ज होती हैं और चिनाब अंततः इंडस रिवर में मर्ज होती है, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ गई हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि हाँ सर सब कुछ क्लियर होता चल रहा है, कॉन्सेप्ट यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मेरा पढ़ाना यहां पर बेकार है। चीजों को क्लैरिफाई करना, नोट्स जरूर बनाते हुए चलना, समय समय पर रिवाइज करते हुए चलना, एक बार ज्योग्राफी अच्छे से तैयार कर ली तो हर एग्जाम में जहां कहीं भी ज्योग्राफी पूछी आती है आप उसका करेक्ट आंसर वहां पर कर पाएंगे, ज्योग्राफी कभी भी आपको जीएस के एग्जाम में परेशान नहीं करेगी। अब हम कुछ डैम्स को यहां पर देख लेते हैं, झेलम नदी की बात करते हैं, यहां पर बहुत सारे महत्वपूर्ण डैम आपके मौजूद हैं जो कि एक नंबर पर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो झेलम नदी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध आपके मौजूद हैं, आपके यहां पर मंगला डैम है, रसूल बैराज है और त्रिममू बैज आपका यहां पर मौजूद है, त्रिममू बैराज रसूल बैराज और मंगला डैम, ये तीनों आपके झेलम नदी पर आपके मौजूद हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो कि आप आसानी से इनका आंसर यहां पर कर पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है तो आपका आंसर क्या होगा, सिंधु नदी आपकी जो निकलती है वो निकलती है आपकी कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग जो आपकी बनती है, यहां पर मैंने आंसर मेंशन नहीं किया है इसलिए मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा, और जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उनका रिवीजन इसी क्रम में आपको करना है। सिंधु नदी कहां से निकलती है रिवीजन कीजिए मेरे साथ वन लाइनर के फॉर्म में, सिंधु नदी जो निकलती है वो निकलती है कैलाश मानसरोवर झील से आपकी निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है जरा मुझे टाइप करके यहां पर कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सबकी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और वहां की राष्ट्रीय नदी ये बनती है और वहां के लोगों की लाइफलाइन बनती है। मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह से भारत की सबसे लंबी नदी बनती है गंगा और भारत के लोगों की लाइफलाइन बनती है गंगा और भारत की राष्ट्रीय नदी बनती है गंगा, ठीक उसी प्रकार सिंधु पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी यहां पर बनती है। बाय किनारे से कौन कौन सी सहायक नदियां सिंधु नदी में आकर मिलती हैं, जहां से नदी आपकी ओरिजिनेट होती है और फिर आगे बढ़ते हुए यहां पर अरब सागर में गिरती है, तो जहां इस नदी के बहने का फ्लो होता है उसी के हिसाब से इसकी डायरेक्शन यहां पर सेट होती है। अगर मैं इस तरीके से यहां पर चलते हुए जा रहा हूं तो मेरे इस तरफ आपका कौन सा हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो बाएं किनारे का मतलब यहां पर हो जाएगा, बाएं किनारे का मतलब यहां पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो आपकी कौन कौन सी बनती है, जास्कर नदी, सुरु नदी, झेल नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और पंचनाद नदी, जो कि सभी नदियों के संगम से आपकी बनती है। तो ये सभी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, दाएं किनारे से आकर मिलती है
सीधे हाथ की तरफ तो श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, जितनी याद हो जाए उतना काफी है। नहीं तो प्रयास करिए कि सारी चीजें यहाँ पर याद हो जाए, क्योंकि आईएएस पीसीएस और एसएससी के एग्जाम में कई बार सीधा यहाँ पर नदी का नाम पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि ये दाई सहायक नदी है या फिर बाई सहायक नदी यहाँ पर बनती है। अब सिंधु नदी के साथ साथ हमें सिंधु जल समझौते को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेना होगा, ताकि आपको एग्जाम में सिंधु जल समझौते से संबंधित प्रश्न आपको परेशान ना करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों का आपको आंसर करना है, और इन प्रश्नों के माध्यम से सिंधु जल समझौता भी डिस्कस होते हुए चलेगा। आप सभी तैयार हैं आंसर करने के लिए, तो यस लिखकर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और इस प्रश्न को रीड कीजिए और जवाब बताइए। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा सिंधु जल संधि के लिए मध्यस्थता की गई थी? इंडस वाटर ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? आईबीआरडी, आईएमएफ, एडीबी, यूनाइटेड नेशन, या इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान की भारत और पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, बंटवारा हुआ 1947 में, उसके बाद 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था। यह किसकी मध्यस्थता से किया गया था? हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी, और उस समय वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से जाना जाता था, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर मध्यस्थता यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न, जो कि आपको सिंधु जल समझौते को समझने में मदद करेगा, प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब सिंधु जल समझौता साइन हुआ था तो उस समय संधि पर, इस एग्रीमेंट पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर किए थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय कौन थे जिन्होंने सिंधु जल समझौते पर सिग्नेचर किए थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, इस्किंदर मिर्जा, फजल इलाही चौधरी, मोहम्मद जियाउल हक, या इनमें से कोई नहीं। सिंधु जल समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय थे अयूब खान साहब, उन्होंने सिग्नेचर किए थे। अयूब खान साहब का नाम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज यहां पर आंसर होगा, और अयूब खान साहब का नाम यहां पर याद कर लीजिएगा। यहां पर एक बहुत ही रेयर इमेज आपको यहां पर नजर आएगी, रेयर इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं, तारीख बनती है 19 सितंबर 1960। आप लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, बीच में आपके प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के अयूब खान साहब, और सबसे किनारे में दाएं तरफ राइट हैंड साइड आपके वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये तारीख, ये जो फोटो है वो आपकी 19 सितंबर 1960 की है, और इस बात से तय हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में साइन हुआ था। अगला प्रश्न, 19 सितंबर 1960 को किस शहर में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि इन विच सिटी द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ऑन 19 सितंबर 1960। ये तो पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान साहब के बीच में साइन हुआ था, 1960 में साइन की गई थी यह संधि। लेकिन किस शहर में, भारत में या पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान के कराची शहर में साइन हुआ था। कराची शहर किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के इस किनारे है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कराची के पास ही डेल्टा बनाने के बाद सिंधु नदी आपकी अरेबियन सागर में गिर जाती है, तो इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, अगर दिमाग में ना आए तो याद करना, कराची शहर सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए वो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार जो पूर्वी नदियां हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन की जो नदियां हैं, रावी, ब्यास और तीसरी नदी कौन सी है, इसका पानी भारत को आवंटित किया गया है? देखिए टोटल 6 नदी यहां पर बनती हैं, इन 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को दिया गया है, और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। तो भारत को पूर्वी नदियों का पानी दिया गया है, रावी, ब्यास और तीसरी नदी कौन सी है, सतलज नदी है, जिसका पानी भारत को दिया गया है। इसका मतलब है कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को यहां पर दिया गया है। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि किस तरीके से इसको याद करना है, तो मैं बता देता हूं, एक ट्रिक है मेरे पास जिसके माध्यम से आप आसानी से नदियों के नाम याद कर पाएंगे कि सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं और कौन सी नदियां हिंदुस्तान को दी गई हैं। भारत को जो नदियां दी गई हैं वो पूर्वी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, और पाकिस्तान को जो नदियां दी गई हैं वो वेस्टर्न रिवर्स हैं, पश्चिमी नदियां हैं, यानी कि सिंधु खुद है, झेलम है और चिनाब है। इनको याद रखने की बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जिन नदियों का पानी भारत को दिया गया है उसको याद रखने के लिए जो ट्रिक बनती है वो बनती है आरबीएस बैंक। कौन सा बैंक? आरबीएस बैंक। आरबीएस बैंक का फुल फॉर्म बनता है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। बस आपको आरबीएस नाम याद रखना है। आरबीएस में आर का मतलब है रावी रिवर, आरबीएस में आर का मतलब है रावी रिवर, बी फॉर
ब्यास रिवर और एस फॉर सतलज रिवर, ये तीनों नदियां भारत को दी गई हैं। तो भारत को किन किन नदियों का पानी सिंधु जल समझौते के अनुसार दिया गया है, तो ट्रिक हो जाएगी आरबीएस, आरबीएस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आर से रावी, बी फॉर ब्यास और एस फॉर सतलज। उम्मीद है पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा, ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर सर पाकिस्तान की नदियों को याद रखना है तब क्या ट्रिक होगी, तो पाकिस्तान के नदियों को याद रखने की जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 47वें चीफ जस्टिस वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनका नाम है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, लेकिन इनको हमें यहां पर याद नहीं करना है, हमें केवल बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है जिसका नाम है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सी फॉर चिनाब, जे फॉर झेलम और आई फॉर इंडस, यानी कि सिंधु नदी। तो जिन नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया है उसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बनती है सीजेआई। ट्रिक पसंद आई हो तो यस लिखकर बताइए, और ट्रिक अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो भैया लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे इस वीडियो के मैं मानूंगा कि आप सभी को ये वीडियो उतना ही पसंद आया है। नहीं तो अगर लाइक्स मैं देख रहा हूँ कि आप सभी देखते तो बहुत हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, मुझे लगता है मुझे कंटेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब इतनी में जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे लग रहा है मेहनत कम करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा है वीडियो। अगर हाँ तो मुझे लिखकर बताइए कि सर आप कम मेहनत कीजिए, हमें वीडियो पसंद नहीं आ रहा, अगर ऐसा है तो ये भी लिखकर बताइए, और अगर ऐसा नहीं है तो धड़ाधड़ लाइक करना शुरू कर दीजिए भैया, फटाक से लाइक कीजिए यहाँ पर, क्योंकि इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल रही है तो इसके लिए एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को सिंधु नदी का पानी का कितने प्रतिशत हिस्सा सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन प्रयोजनों के लिए उपयोग में अनुमति है, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं उन नदियों में से किसी भी नदी का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया को पानी इस्तेमाल करने की अनुमति है जो नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान को दी गई नदियों का मात्र 20% पानी ही सिंचाई, बिजली उत्पादन और जो ट्रांसपोर्ट पर्पज है उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करेगा, याद रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार एक स्थायी सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि कम से कम कितने साल में या साल में कितने बार नियमित रूप से मिलता है। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी परमानेंट इंडस कमीशन, एक परमानेंट इंडस कमीशन आपका बनाया गया है, मस्ट मीट रेगुलरली एटलीस्ट अल्टरनेटली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अल्टरनेटली इन इंडिया पाकिस्तान का मतलब है कि अगर एक साल हिंदुस्तान में हो रहा है तो एक साल पाकिस्तान में होना चाहिए। कम से कम परमानेंट इंडस कमीशन की जो मीटिंग है साल में एक बार अवश्य होनी चाहिए, और अगर एक बार पाकिस्तान में हुई है तो एक बार हिंदुस्तान में होना चाहिए, यह भी उसमें लिखा हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी में आपका लिखा हुआ है। सिंधु जल समझौते की बात करते हैं 1960 में, तो कुल कितनी नदियां शामिल हैं, हाउ मेनी रिवर्स आर इंक्लूडेड इन द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो मैंने कहा तीन नदियों का पानी भारत को मिला, तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, तो टोटल रिवर कितनी हो गई, 6 हो गई यहां पर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संधि के अनुसार, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों में पानी का उपयोग किस प्रकार की जरूरतों के लिए कर सकता है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि हम पाकिस्तान को दी गई नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका केवल 20% इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किन किन जरूरतों के लिए। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी इंडिया कैन बी यूज द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ नीड, क्या हम सिंचाई के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, हाइड्रो पावर, जल विद्युत के लिए, स्टोरेज के लिए या डोमेस्टिक पर्पज से या सभी के लिए। तो भारत यहां पर इन सभी उद्देश्यों के लिए, इन सभी जरूरतों के लिए पाकिस्तानी नदियों के 20% पानी का इस्तेमाल यहां पर कर सकता है। झेलम नदी की बात कर लेते हैं, उन पर इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण बांध और बैराज मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट डैम्स एंड बैराजेस ऑन द झेलम रिवर, क्या रसूल बैराज झेलम नदी पर है, त्रिममू बैराज झेलम नदी पर है, मंगला डैम क्या झेलम नदी पर है, केवल एक और तीन है या सभी के सभी हैं। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5, सभी के सभी। उम्मीद है यहां पर आपको इंडस वाटर ट्रीटी क्लियर रही होगी, तो एक बार यस लिखकर बताइएगा कि सिंधु जल समझौते को हमने आज यहां पर जो डिस्कस किया है वो आप सभी को समझ में आया या नहीं। लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो देन ठीक है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं झेलम नदी, अब यहां पर कुछ वन लाइनर, झेलम नदी कहां से, टेस्ट कर लेते हैं, झेलम नदी कहां से निकलती है, तो झेलम नदी का जो उद्गम है मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था, इसी क्लास की शुरुआत में बताया था कि जो वेरिनाग स्प्रिंग है, कहां है, वेरिनाग स्प्रिंग है, वहां से झेलम नदी आपकी निकलती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ चिनाब रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज चंद्रभागा।
चिनाब रिवर को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। रावी नदी कहां से निकलती है? तो रावी नदी जो निकलती है उसका नाम है राक्षसताल। कहां से निकलती है रावी नदी? नहीं, वो राक्षसताल से तो नहीं निकलती, राक्षसताल से आपकी निकलती है सतलज। रावी नदी की बात कर लेते हैं तो ये आपकी रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। सिंधु नदी की बात कर लेते हैं, सिंधु नदी के तंत्र में ब्यास नदी की बात कर लेते हैं तो ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी जो आपकी निकलती है वो आपकी कहां से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये तो मैंने आपको अभी यहां पर बताया ही था। और यहां पीछे रावी नदी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से आपकी निकलती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? अरे नहीं, मुझे लगता है यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछने हैं क्या? नहीं नहीं, ये मुझे ही आंसर करना है। व्यास नदी किन अन्य नामों से जानी जाती है? तो ब्यास नदी को बिपाशा भी कहते हैं, और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी कहां से निकलती है? व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास नदी का क्या नाम बनता है? व्यास नदी का जो नाम बनता है वो बिपाशा भी बनता है। सतलज नदी कहां से निकलती है? तो सतलज नदी मैंने आपको अभी बताया कि ये राक्षस ताल से निकलती है। और किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो मैंने थ्योरी के दौरान आपको बताया था कि सतलज नदी आपकी भारत से इसका उद्गम नहीं है, इसका उद्गम भी आपका मानसरोवर झील के पास तिब्बत से ही आपका बनता है। अब ये तीन प्रश्न आपसे मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ वन लाइनर के तौर पर। कितना सीखा, हाउ मच यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। सतलज नदी भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। घाघरा नदी भारत में कहां से निकलती है ये आपको बताना है। और रावी नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी इज नोन एज बाय अदर नेम, ये आपको मुझे बताना है। ये तीन प्रश्न वन लाइनर के तौर पर मैं यहां पर आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। तो उम्मीद है दोस्तों और मेरे साथियों आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो एक बार मुझे यस लिखकर जरूर बताइएगा और अपनी तारीफ कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपने कितना सीखा, ये लेक्चर आपको कितना पसंद आया। जितने भी लोग इस बाद में इस वीडियो को देखें वो लोग मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, और इन क्वेश्चन का आंसर तो आपको कॉमेंट बॉक्स में करना ही है। फिर मुलाकात होगी आपके साथ कल शाम 7 बजे ज्योग्राफी के एक और टॉपिक लेक्चर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहिए और अपने लोगों का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।